पुलिस हिरासत में तशद्दुद से हलाक होने वाले बशीर मसीह की मेमोरियल सर्विस अदा कर दी गई। जर्नलिस्ट जावेद गुल, पास्टर कमर जान, एल्डर इलियास ने खिताब के दौरान वाकये की पुरजोर मजम्मत की। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पुलिस हिरासत में वहशियाना तशद्दुद से हलाक होने वाले बशीर मसीह की मेमोरियल सर्विस उनके गाँव सफर वाली समडयाल अदा कर दी गई। जर्नलिस्ट जावेद गुल ने खिताब करते हुए कहा कि थाना समडयाल के बेलगाम पुलिस एहलकारों ने अपने मफाद के लिए हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया है। 5 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के कवानीन मौजूद हैं, गरीब के लिए जुल्म और अमीर के लिए प्रोटोकॉल वाले कवानीन हैं। पास्टर कमर जान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतें कन्फ्यूजन और बेचैनी में मुबतला हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जुल्म करने वाले धंधनाते फिर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जालमों के सामने इंसानियत बेबस होती जा रही है। एक गरीब मजदूर बशीर मसीह को शक की बिना पर कत्ल करना कानून के मुंह पर तमांचा है। एल्डर इलियास नाज ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस ने बशीर मसीह को वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल किया है। जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में जिस तरह मुजाहरीन ने पुलिस के रवैये पर नारेबाजी की थी, इससे पुलिस को अपनी करतूतों पर मातम करना चाहिए। आला हुकाम वाकये का नोटिस लेकर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर आदिल गोरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज के नायब सदर जॉन महबूब, साबिक मेंबर तहसील कौंसल तारिक तबस्सम, समाजी रहनुमा डॉक्टर शान ने पुलिस के जालमाना रवैये की पुरजोर मजम्मत की, जबकि बशीर मसीह की बेवा ने मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ मुहैया किया और मुलजमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।